हेडली कस्बे में गांधी जयंती के अवसर पर शंखनाथ फाउंडेशन संस्था ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत के बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान के तहत रेस्क्यू अभियान कस्बा खेड़ली रेल फाटक पर नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता और पुलिस विभाग के सहयोग से रेलवे फाटक पर भिक्षावृत्ति करने वाले 4 बच्चों का रेस्क्यू किया। शंखनाथ फाउंडेशन संस्था अध्यक्ष वेद प्रकाश पटेल ने बताया कि किसी भी बच्चे से बाल भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने या काम या बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। आज साधनों के आसपास भिक्षावृत्ति करने वाले 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और साथ में शंखनाथ फाउंडेशन के प्रतिनिधि वेद प्रकाश जी साथ में थे उनके साथ, और पुलिस थाना खेड़ी से भी जाप्ता था उनके साथ 4 बच्चों को रेस्क्यू किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार के निर्देश में 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चल रहे रेस्क्यू अभियान के तहत शंखनाथ फाउंडेशन संस्था के द्वारा खेड़ली में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें नायब तहसीलदार खेड़ली और पुलिस थाना खेड़ली का सहयोग प्राप्त हुआ। 4 बच्चे जो रेलवे फाटक खेड़ली पर भिक्षावृत्ति कर रहे थे।